गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जानसार किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 9। इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड द सप्लीमेंट्री लेसन नंबर 2 फ्रॉम द मोमेंट। इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन आंसर्स। So, the first question is, how does Toto come to grandfather's private zoo? ये जो Toto था वो ये grandfather के private zoo में किस तरह से आया? Okay? तो ये जो Toto ये grandfather के private zoo में किस तरह से आया? तो answer, Toto was in the captivity of a Tonga owner. Okay, तो ये जो Toto था वो एक Tonga owner यानी एक horse cart का जो मालिक था, उसने अपने साथ ये Toto को रखा था। यानी उसका जो owner था वो पहले एक horse cart वाला था। The grandfather gets sympathetic with the monkey and think that his private zoo would be better place for Toto. तो उसने पहले grandfather ने उसको ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर उसको सिंपथेटिक यानी उसको सिंपथी क्रिएट हुई कि ये जो मंकी है वो डेली ये हॉर्स कार्ट का जो ओनर है उसके साथ धूप में वो घूम रहा है। ओके, डेली वो क्या कर रहा है, वो उसके साथ वो धूप में घूम रहा है, तो उससे बेटर है कि मैं उसको अपने प्राइवेट जू में रखूं। ओके, तो ये सोचकर सो ही परचेज्ड Toto फ्रॉम द टांगा वाला फोर 5 रुपीस। तो ये सोचकर ये जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये जो हॉर्स कार्ट वाला था उसको 5 रुपीस देकर ये जो Toto था ये जो मंकी था उसको वहाँ से क्या किया, उन्होंने परचेस कर दिया। ओके, तो पता चला फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये एक यहाँ बात की क्वेश्चन में कि भाई ये Toto था वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में किस तरह से आया। तो ग्रैंडफादर ने ऑब्जर्व किया था कि भाई एक जो टोंगा ओनर है वो ऑलवेज अपने साथ एक मंकी को लेकर घूम रहा है, तो ग्रैंडफादर को वो Toto के प्रति सिंपथी क्रिएट हुई। उन्होंने सोचा कि भाई इससे बेटर है कि ये जो मंकी है जो Toto है उसको मैं अपने प्राइवेट जू में रख दूँ। क्यों? क्योंकि उसको धूप में घूमना पड़े नहीं। तो ये सोचकर उन्होंने वो जो टांगा वाला था उसको 5 रुपीस देकर ये जो Toto था उसको परचेस कर लिया और उसको अपने पर्सनल या प्राइवेट जू में लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Toto वॉज अ प्रीटी मंकी। ये जो Toto था वो एकदम प्रीटी मंकी था। प्रीटी मंकी यानी एक अच्छा मंकी था। इन वॉट सेंस इज़ Toto प्रिटी। तो कौन से सेंस से हम कह सकते थे कि ये जो मंकी था वो एकदम प्रिटी था? कि Toto वॉज अ प्रिटी मंकी, Toto एक अच्छा मंकी था। इन वॉट सेंस इज Toto प्रिटी। तो कौन से सेंस से हम कह सकते हैं कि ये जो Toto था वो एकदम प्रिटी था? आंसर, Toto वॉज अ प्रिटी मंकी। ये जो Toto था वो एकदम प्रिटी मंकी था। हीज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिस्चीव। उसकी जो ब्राइट आइज थी वो आइज में ऑलवेज स्पार्कल यानी चमक रही थी। क्या चमक रहा था? एक मिस्चीव यानी परेशान करना किसी को। ओके, वो ऑलवेज मिस्चीवियस था। ओके, बीनीथ द डीप सेट आईब्रो।
तो उसके जैसे डीप सेट आईब्रो के नीचे उसकी मिस्चिफ छुपी हुई थी, एंड हीज टीथ, और उसके टीथ की बात की है कि हीज टीथ विच वेयर अपियरली वाइट, उसके जो टीथ थे वो एकदम वाइट थे, वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, ओके उसके जो टीथ थे वो वाइट थे, और उसको कभी भी उसके सामने देखो तो वो ऑलवेज उसके चेहरे पर क्या रहती थी, स्माइल रहती थी, ओके यानी इन शॉर्ट वो अपने जो वाइट टीथ थे वो ऑलवेज क्या कर रहा था, सबको दिखाता रहता था। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और इसकी वजह से तो ये जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो उसकी स्माइल से डरती थी, ओके यानी वो किसी को भी देखकर जैसे स्माइल देता था तो ये जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी, ओके एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मीनिंग होता है द लेडी वो लिव इन अ साउथ अफ्रीका, तो जो एंग्लो इंडियन वूमन थी वो उसके चेहरे को देखकर उसकी स्माइल को देखकर क्या करती थी, डरती थी। इवन दो हिज हैंड्स लुक्ड ड्राई अप, उसके जो हाथ थे वो एकदम ड्राइड अप हो गए थे। ड्राइड अप किसकी वजह से हो गए थे, मैंने आगे बोला कि वो पूरा दिन ये जो हॉर्स कार्ट था उसका जो ओनर था वो ऑलवेज धूप में ये मंकी को लेकर वो जहाँ भी जाता था उसके साथ में लेकर जाता था, तो पूरा दिन धूप में घूमने की वजह से ये जो मंकी था उसका नाम टोटो था, उसका जो हाथ थे वो दोनों हाथ कैसे हो गए थे, ड्राई अप सूख गए थे। एज दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, ये क्यों हुआ था, उसका रीज़न दिया मैंने जिसके बाद बताया कि पूरा दिन वो सन रे में यानी सन के सामने, इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि सन रेज में, तो पूरा दिन सन रेज में रहने की वजह से उसके जो दोनों हाथ थे वो एकदम ड्राइड अप सूख गए थे। हिज फिंगर्स वेर क्विक एंड विक्र, उसकी जो फिंगर्स थी वो भी एकदम क्विक क्विक यानी बहुत ही स्पीड में काम करती थी, और विक ओके और विक यानी बहुत ही दुबली, यहाँ पर विक का मीनिंग दिया है कि ऑलवेज किसी को परेशान करना, ओके हिज टेल उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, उसकी जो पूंछ थी उसको कंपेयर किया है कि ये मंकी का थर्ड हैंड था, मंकी के लिए जो उसकी पूंछ होती है वो उसका थर्ड हैंड गिना गया है। तो दूसरा ये उसकी जो पूंछ थी कि जिसके वजह से ये मंकी का जो लुक था वो अच्छा लग रहा था, यानी विदाउट टेल मंकी अच्छा लगता नहीं था, यानी ये जो पूंछ थी वो उसके लुक में कुछ बढ़ोतरी कर रही थी, और दूसरा ये जो पूंछ थी वो थर्ड हैंड की तरह एक तीसरा हाथ, ओके मंकी का क्या है तीसरा हाथ, इस तरह से वो काम करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, तो ये जो पूंछ थी उसका यूज़ क्या करता था वो, तो ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच, वो ब्रांच में लटकने के लिए ये पूंछ को क्या करता है, वो ब्रांच के ऊपर वो गोल गोल लपेट देता है और फिर वो क्या होता है उल्टा लटक सकता है, तो ब्रांच में लटकने के लिए वो पूंछ का यूज़ करता था। दूसरा अगर जो कोई डिस्टेंस पर उसका हाथ नहीं पहुंच सकता तो वहाँ पर ये जो मंकी है वो अपनी पूंछ को भेजते हैं, यानी इसको ये जैसे मैंने बोला कि भी उसका जो उसकी पूंछ वो उसका थर्ड हैंड है, जैसे दो हाथ उसकी हाइट क्या होती है छोटी होती है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ वो पहुंच नहीं सकता उसके हाथ नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पर वो क्या करते अपनी पूंछ को भेजते हैं, ओके तो इस तरह से वो पूंछ से भी क्या करते काम लेते हैं, ओके।
तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। तो ये जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गए एंड हाउ, हाउ का मीनिंग है किस तरह से लेकर गए। Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? तो ये जो टिकट कलेक्टर था उसने ये टोटो को डॉग की तरह क्यों काउंट किया। ठीक, फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि ग्रैंडफादर टोटो को अपने साथ सहारनपुर क्यों लेकर गए और कैसे लेकर गए। दूसरा, उसी में जो टिकट कलेक्टर था उसने ये टोटो को डॉग की तरह क्यों माना। ठीक है, उसकी काउंटिंग डॉग की तरह क्यों की, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा फेयर लिया था। ओके, तो ये टोटो को उसने एज अ डॉग काउंट करके उसका एक्स्ट्रा फेयर लिया था, ध्यान रखो। तो टोटो वॉज अ रियल मेनस फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। ये जो टोटो था वो घर में जितने भी लोग रहते थे वो सबके लिए वो एक क्या था, मेनेस। मेनेस का मीनिंग होता है त्रास। ओके, त्रास क्यों किया गया, क्योंकि वो हर एक को परेशान करता रहता था। तो टोटो रियल में अगर वो घर पे जो भी लोग रहते थे सब उनसे बहुत ही मेनेस यानी सबको परेशान होने लगी थी। ओके, अदर एनिमल्स इन अ ग्रैंडफादर जू वेयर एट टोटोस मर्सी इवन ड्यूरिंग नाइट्स। दूसरे जो एनिमल थे जो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में थे वो लोग भी ये टोटो की वजह से पूरी नाइट वो सो नहीं पाए। ये पूरी नाइट ये टोटो की वजह से दूसरे जो एनिमल थे वो भी सो पाए नहीं। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू अदर एनिमल्स इन द जू एंड थ्रू ऑफ टेकिंग टोटो टू सहारनपुर। तो ग्रैंडफादर को पता था कि ये जो टोटो है वो सबको परेशान करता है, घर के जितने जो फैमिली मेम्बर है उसको भी परेशान करता है, उसके अलावा जो दूसरे उसके प्राइवेट जू में जो एनिमल थे वो भी उनसे परेशान थे, और उसी टाइम पर उसको अपना पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना आया। तो उसने सोचा कि चलो एक दिन ये बाकी जो एनिमल है और जो घर के फैमिली मेम्बर है सबको रिलैक्सेशन मिले उसकी वजह से ये टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाने का उसने सोचा। ओके, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम रिलीफ ऑफ अदर एनिमल। दूसरे एनिमल को भी रिलीफ मिले झूमे एंड थॉट ऑफ टेकिंग टू टोटो सहारनपुर, और घर के जो मेंबर्स है उसको भी थोड़ी रिलीफ मिले, इसकी वजह से उसने ये एनिमल को यानी ये टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाने का सोचा। ही वॉज टेकन इन अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग। अभी उन्होंने ये टोटो को ऐसे ही ले नहीं जा सकते, तो उसके कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए उन्होंने एक बिग बड़ी ब्लैक कैनवास किट बैग तैयार करवाई। ओके, विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम। अभी ये जो बैग उसने एक तैयार करवाई जो ब्लैक कैनवास से बनी हुई थी वैसे ही किट बैग की तरह लग रही थी। अभी ये मंकी को उसमें बिठाना था तो बॉटम में कुछ उसने स्ट्रो का मीनिंग होता है कुछ लकड़ियाँ वो अंदर रखवा दी। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और उसके अंदर जैसे मंकी को रखने के बाद यानी टोटो को रखने के बाद ये जो बैग थी उसको क्या करवा दी, क्लोज यानी ऊपर से जो चेन थी वो क्या कर दी, उसने बंद कर दी। All his efforts to get out were restrained. Okay, अभी ऊपर से चेन बंद करने के बाद
ये जो टोटो का जितना भी ट्राई था कि भी मैं इसमें से बाहर निकलूं, वो उसका सब जो ट्राई था वो क्या हो गया, फेल हो गया। दैट मीन्स वो जो बैग थी वो इतनी स्ट्रांग थी और बाहर से चेन इस तरह से बंद की कि टोटो उसको ओपन कर सकता नहीं था। दूसरा, वो अंदर होने की वजह से वो बाहर निकल सके नहीं था। और दूसरा, ये जो कैनवास था वो इतना स्ट्रांग था कि ये जो टोटो था अपने नाखून से या अपने टीथ से उसको फाड़ भी नहीं सकता था। ओके, तो इस तरह से उन्होंने, ये ग्रैंडफादर ने इस तरह से प्लानिंग करके ये टोटो के लिए एक स्पेशल कैनवास बैग बनवाई जो किट बैग की तरह लग रही थी, और उसके अंदर थोड़े पीसेस लकड़ी के डालकर टोटो को अंदर बिठा दिया और ऊपर से उसकी जो चेन थी वो क्या कर दी, बंद कर दी। द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स। ये जो टिकट कलेक्टर था वो फॉलो कर रहा था अपने जो रूल्स थे। जनरली कोई भी इंसान ये जो ट्रेन है उसमें ट्रैवल करता है तो उसके साथ कोई एनिमल होना चाहिए नहीं। अगर एनिमल है तो उसका अलग से टिकट लेनी पड़ती है। अभी ये जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपने साथ एक एनिमल लेकर जा रहे थे, वो क्या था, टोटो। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा टिकट नहीं ली थी। ओके, एज देयर सीम टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग अ मंकीज फेयर। अभी उसके हिसाब से कोई भी एनिमल कोई अपने साथ में लेकर ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। लेकिन ये जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। जब उसकी टिकट चेक करनी आई तो टिकट कलेक्टर ने देखा कि भी उनके पास एक एनिमल है। अभी ये जो टिकट कलेक्टर था उसको मंकी का क्या चार्ज लेना है उसके पास कोई आइडिया नहीं था। क्यों? क्योंकि मंकी को लेकर जाना वो अलो ही नहीं था, उसकी परमिशन थी नहीं। ओके, तो उसकी टिकट कितनी लगेगा, चार्ज क्या, वो उसको पता नहीं था। तो उसने ये एक्स्ट्रा पैसे तो लेने थे, लेकिन मंकी का उसमें कोई नाम नहीं था, मंकी को कोई लेकर घूम नहीं सकता है। तो ये टिकट कलेक्टर ने क्या किया, उसका चार्ज अकॉर्डिंग टू डॉग फेयर, ये मंकी को उसने क्या समझ कर एक डॉग फेयर की तरह से यानी डॉग का चार्ज लेकर उन पर पनिशमेंट लगाई। ओके, नो रूल फॉर फिक्सिंग अ मंकीज फेयर, सो ही क्वार्टर टोटो विथ अ डॉग्स फेयर। तो उनके पास ये मंकी के लिए कितना फेयर होता है उसके लिए कोई क्लेरिफिकेशन नहीं थी, तो इसीलिए ये जो टिकट कलेक्टर था उसने डॉग की फेयर यानी डॉग का जितना चार्ज होता है उतना चार्ज ये टोटो के लिए ग्रैंडफादर से लिया। द टिकट कलेक्टर्स इंजीनियरली ट्राई टू कैटराइज ऑल पेट्स ऑफ अ सर्टेन साइज एज अ डॉग। अभी उसके पास मेरा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था मंकी के बारे में, लेकिन हाँ वो था कि भाई डॉग की साइज का कोई भी एनिमल है तो उसका चार्जेस डॉग की तरह ले लेना है। ओके, डॉग की साइज़ का यानी डॉग की जितनी हाइट और विड्थ होती है तो इसके हिसाब से उसके ही साइज़ का कोई भी एनिमल इंसान के पास है तो उसका क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है तो उसका चार्जेस अकॉर्डिंग टू डॉग लेना है। ये समझ कर और ये मानकर ये जो टिकट कलेक्टर था उसने ये ग्रैंडफादर से डॉग का चार्ज टोटो का ले लिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। टोटो बाथ कैसे लेता था, नहाता था कैसे, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, उसने ये कैसे सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉइल हिमसेल्फ अलाइव, उसने अपने आप को जैसे कि एकदम बॉइल्ड पानी में किस तरह से डाल दिया लेकिन फिर भी कैसे बच गया, यानी बॉइल्ड पानी में गिरते वो कैसे बचा। टोटो टेक्स बाथ
इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। ये जो टोटो था वो एक वार्म टब, ओके, एक टब जिसमें वार्म वाटर है, ऐसे टब में वो क्या करता था, नहाता था। ही वुड फर्स्ट टेस्ट द टेम्परेचर, सबसे पहले वो क्या करता था, इंसान की तरह वो क्या करता था, टेम्परेचर चेक करता था, ओके। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, और टेम्परेचर चेक करने के बाद उसको लगा कि ये पानी नॉर्मल है, वो अंदर जा सकता है। उसके बाद ही वो नहाने के लिए क्या करता था, जाता था। देन ही वुड अप्लाई सोप एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, ओके। वो पानी में जाने के बाद फिर वो क्या करता, अपनी बॉडी पर सोप लगाता था, के साबुन लगाता था। यानी पहले वो पानी को चेक करता था, फिर नहाने के लिए रेडी होता था, पानी में जाने के बाद क्या करता था, वो अपने बॉडी पर साबुन लगाता था, ऑल ओवर यानी पूरी बॉडी पर। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, अभी नहाते नहाते जैसे पानी ठंडा हो गया, के पानी जैसे गर्म होता है लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक वो पानी ऐसे ही पड़ा रहेगा तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड ही वुड रन टू द किचन, जैसे ही पानी ठंडा हो गया तो वो भागता हुआ कहाँ जाता था, किचन फायर यानी किचन में जहाँ पर आग है वहाँ पर, यानी किचन में भागता था जहाँ पर आग है, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और वो आग के सामने खड़ा रहता था किसके लिए, ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए, क्योंकि वो गीला था, ओके। तो वो गीलापन जो सुखाना था तो वो आग के सामने खड़ा रहता है कि जिसकी वजह से वो जो पानी है वो गर्मी गर्म हवा की वजह से वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। एज मंकीज आर गुड एट एपिंग अदर्स, टोटो लर्नड प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग बाय वॉचिंग द नरेटर डूइंग द सेम। अभी ये जो मंकी है वो ऑलवेज किसी की कॉपी करता है। अभी ये जो टोटो था सबसे पहले पानी में अपनी उंगली डालकर टेम्परेचर चेक करता था, उसके बाद वो एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर, उस तरह से वो फिर बैठ जाता था पानी में। तो ये सब चीज़ वो किस तरह से करता था कि वो ऑब्ज़र्व करता था कि उसका जो ऑनर है वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से टेम्परेचर मेज़रमेंट करता है। तो ये सब उसने देख देख कर सीखा था, उसका जो ऑनर था, ये जो ग्रैंडफादर थे, वो जिस तरह से पानी को चेक करते थे उसने दो तीन बार ऑब्ज़र्व किया होगा, फिर वो भी उसी तरह से पानी को क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है, ओके। और इस तरह से जिस तरह से ये लोग नहाते हैं वो भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा, तो इसी तरह से वो भी क्या करता है, पहले जैसे ये इन लोगों के लिए बड़ा टब होगा लेकिन ये जो टोटो था उसके लिए टब कैसा था, छोटा टब था। वो छोटे टब में पहले टेम्परेचर चेक करने के बाद वो पहले एक पैर दूसरा पैर इस तरह से पूरी बॉडी को पानी में रख देता था, और उसके बाद वो क्या करता था, बॉडी पर साबुन लगाता था, पूरी बॉडी को वो साबुन के घिस कर वो जैसे वो क्या करता था, बॉडी को क्लीन करता था। तो जिस तरह से ये टोटो ने अपने ओनर को इस तरह से करते हुए देखा था, और इसी तरह से वो भी कॉपी, दूसरा बोलते इमिटेट, नकल करना, तो वो भी इस तरह से नकल करके अपनी बॉडी को क्लीन करता था। वन सेविंग टेस्टेड द वॉर्म ऑफ वाटर इन द केटल, ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, द वाटर बिगेन टू बॉइल। तो एक बार उसने टेस्ट किया, जैसे कि एक आग पर एक केटल थी, केटल का ढक्कन बंद था, जब उसने वो लीड को निकाल दी और उसके अंदर जैसे मुंह डाला तो उसमें से गर्म हवा आई, तो उसको लगा कि भाई अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कोल्ड विंटर का टाइम था। फिर उसने वो अपना मुंह उठाया तो बाहर ठंडी हवा थी, उसको अच्छा लगा, तो फिर से उसने मुंह डाला। इस तरह से बार बार वो करता रहा, उसको पता चला कि भाई अंदर जो हवा है वो कैसी गर्म है और बाहर जो है वो क्या है, ठंडी है।
तो इस तरह से उसने टेस्ट करने के बाद वो केटल के अंदर वो क्या करता था, बार बार हेड डालता था, निकलता था, द वॉटर बिगेन टू बॉइल, और जब पानी उबलने लगा, प्रोबेबली ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ बॉइलिंग वाटर, सो ही पॉप्ड हीज हेड अप एंड डाउन इन द केटल। उसको इतना पता नहीं था कि अगर पानी उबल गया तो उबल रहा हुआ पानी कितना नुकसान पहुंचा सकता था, वो उसको पता नहीं था। इसकी वजह से ही वो जो केटल का जो लीड था उसको निकाल कर वो बार बार अपना मुंह वो अंदर डालता था और बाहर निकलता था, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्टेड हिम आउट ऑफ द केटल। जब ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं आई तब तक वो ये जो टोटो था वो इसी तरह से करता रहा, लेकिन जैसे ही ग्रैंड मदर आई तो ग्रैंड मदर जैसे गुस्से से कुछ बोली कि टोटो वहाँ से क्या हो गया, भाग गया। दिस इज़ हाउ टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। तो ये ग्रैंड मदर आ जाने की वजह से ये टोटो ने जैसे अपने आप को बचा लिया, वरना वो ये जो उबलता हुआ पानी था उसमें वो क्या करता, अपने आप को जला लेता। ओके चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द ऑथर सेज टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग। तो यहाँ जो ऑथर है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये टोटो कोई पेट एनिमल नहीं है कि जिसको हम लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रख सकते हैं। जनरली जो पेट एनिमल होता है वो फैमिली मेम्बर के साथ ही रहता है और वो किसी को परेशान नहीं करता है, लेकिन ये जो टोटो था वो सबको परेशान करता था। ओके तो उसकी वजह से उसको घर में रखना वो भी लॉन्ग टाइम के लिए वो पॉसिबल नहीं था। ओके ध्यान रखो, आंसर दिया है कि दो टोटो वॉज अ प्रिटी एंड क्लेवर। ये जो टोटो था वो प्रिटी था यानी दिखने में अच्छा था, क्लेवर ओके होशियार भी था, ही वॉज़ वेरी मिसचीवियस, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शरारत था कि वो बहुत ही ज़्यादा शरारतें करता था। ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस बाय ब्रेकिंग डिशेस, टीयरिंग क्लोथ्स एंड कर्टेंस। उसने घर में बहुत ही ज़्यादा डैमेज, बहुत ही ज़्यादा चीज़ को तोड़ दिया था। ओके जैसे घर में जो डिशेस थे उसको तोड़ दिया था, जो कपड़े हैं उसको फाड़ दिया था, जो कर्टेंस, कर्टेंस यानी घर में लगे हुए पर्दे, वो पर्दे को भी उसने क्या किया था, फाड़ दिया था। ही ऑल्सो स्केयर्ड द विजिटर्स बाय टीयरिंग होल्स इन देयर ड्रेसेस। वो जो विजिटर्स यानी जो गेस्ट आते थे उसको भी वो परेशान करता था। किस तरह से, कि जैसे कोई गेस्ट आया तो उसके जो कपड़े हैं उसमें वो होल कर देता था, उसको भी फाड़ देता था। ओके यानी विजिटर्स भी वहाँ पर आने से डरने लगे थे। फर्दर मोर ही डिडंट गेट अलोंग वेल विथ अदर एनिमल्स इन द हाउस टू। दूसरा, वो दूसरे भी जो एनिमल्स थे ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में, तो उसके साथ भी वो अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता था, वो उसको भी क्या करता था, परेशान करता था, किसी को सोने नहीं देता था, किसी को काट लेता था। तो इसी तरह से वो न तो घर के मेंबर को शांति से रहने देता था और चीज़ बहुत ही तोड़फोड़ करता था, कपड़े को फाड़ देता था, गेस्ट भी वो घर में आने से डरते थे, और उसके अलावा दूसरे जो पेट एनिमल्स थे वो उनको भी क्या क्या परेशान कर रहा था। वन डे टोटो क्रॉस्ड द लिमिट बाय पिकिंग अप अ डिश ऑफ पुलाव एंड रनिंग ऑन टू द ब्रांच टू ईट इट। एक दिन ये टोटो ने एक पुलाव की डिश भरकर वो एक ब्रांच पर जाकर बैठ गया। व्हेन स्कोल्डेड ही थ्रू ऑफ द प्लेट्स एंड ब्रोकन इट। जब उसको डांटा गया तो उसने डिश नीचे फेंक गई और तोड़ दी। दैट्स व्हेन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट ही हैड इनफ ऑफ टोटो। तब ग्रैंडफादर ने सोच लिया कि ये टोटो के लिए इनफ हो गया। ही कुड नॉट बियर द लॉस दैट ही हैड इनकरिंग बिकॉज ऑफ टोटोस मिसशिप। उन्होंने डिसाइड किया कि अभी वो टोटो की वजह से घर में जो लॉस हो रहा है उनको बियर कर सकते नहीं हैं, और फिर उन्होंने सोचा कि उसको क्या करें, जिसके पास से लाए हैं उसी को क्या करें, वापिस दे देवे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये स्टोरी थी। आई होप आपके क्वेश्चन आंसर ये पता चल गए होंगे। उसके बाद आपको एक पीडीएफ दी जाएगी, वो पीडीएफ आपका क्या है,
होमवर्क के. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.